अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप डैट यू विल बी फाइन। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज टेंसेस का जो सिनेरियो है उसमें लेक्चर नंबर 2, टेंस नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फेल हाल जारी, इस पर हम बात करेंगे। इसकी सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जी, उर्दू में पहचान क्या है जी। मौजूदा ज़माने में किसी काम के जारी होने को ज़माना हाल जारी कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं ये बता रहा हूँ। इसके बाद जी उर्दू में पहचान इसकी ये आती है कि ऐसे फिकरात जिनके आखिर पर रहा है, रही है, रहे हों वगैरह आता हो, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उर्दू में पहचान बोलते हैं जी। इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंस का जो फार्मूला बनाने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करेंगे, सबसे पहले जी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन सा जी, इज, आर, एम, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जी। अच्छा, इसको आइडेंटिटी इसकी हमने कैसे लेनी है जी कि किसके साथ क्या आएगा। ये जो मैंने इधर एक पोर्शन बनाया हुआ है, इस जो है जी, इसके साथ हीज किसके साथ आएगा, ही शी इट के साथ इज आएगा। ये सिंगुलर पर्सन पर नाउन है। आर जो है वो वी यू दे के साथ आएगा, ये प्लूरल हैं। एम आई के साथ, वो वैसे भी सिंगल है। अच्छा, इसके बाद जी उर्दू में इसकी पहचान क्या है जी। पहचान के बाद उर्दू में जो इसका सेंटेंस है वो किस तरह बनता है, मैं खत लिख रहा हूँ। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में आई एम राइटिंग अ लेटर, तो हम किस तरह करेंगे, आई जो है जी सब्जेक्ट है, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, राइट फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आ गया इसकी जगह, और लेटर ऑब्जेक्ट है जी, ये होगा आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है स्टूडेंट्स वो बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर टेंसेस। इसकी जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसकी पहचान क्या है जी। सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद इज आर एम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आ गया नेगेटिव सेंटेंस में, राइटिंग आ गया राइट, आ गया जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आई एन जी प्लस लेटर ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, इसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। इंटरोगेटिव मीन सवालिया फिकरात। इज आर एम जो है वो फिक्रे के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा सेंटेंस के, उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा जी। अच्छा, इसके बाद एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत लिख रहा हूँ, क्या मैं खत लिख रहा हूँ, लें जी ये आएगा जी। इसके बाद यूज़ ऑफ हाउ, हु, वाई, व्हेन, वेयर, हुज, वेयर, हुज, इनका इस्तेमाल, इनको सबसे पहले जैसे हम लिख रहे हैं जी, इसका जो मैंने एक सेंटेंस बनाया तुम कहाँ जा रहे हो, इसकी पहले हम इंग्लिश चेक करते हैं किस तरह। सबसे पहले तो जो वेयर है, डब्ल्यू एच वाले फिक्रे हैं उनमें से वेयर सबसे पहले आएगा, फिर इज आर एम आएगा उनमें से कोई, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड आई एन जी और ऑब्जेक्ट। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर, वेयर आर यू गोइंग, वेयर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी। अच्छा, इनके बाद एक चीज़ जो आज ऐड मज़ीद की गई है, यूज़ ऑफ सर्टनली, रियली और इंडीड, इनका इस्तेमाल, यानी सर्टनली, रियली और इंडीड हम तब लगाएंगे जब फिक्रे में ज़ोर डालना हो, ज़ोरदार फिक्रे को बदलने के लिए, तब्दील करने के लिए। जैसे वो ज़रूर खत लिख रहा है, जब वो ज़रूर खत लिख रहा है, ही इज़ सर्टनली राइटिंग अ लेटर, ही इज़ सर्टनली राइटिंग अ लेटर, वो ज़रूर खत लिख रहा है, इसलिए जो है ना ज़ोरदार खत के, ज़ोरदार चीज़ यूज़ करने के लिए तीन जो वर्ड हैं जी हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जी डबल इंटरोगेशन है जो, उनमें क्या आएगा, जैसे तुम अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो, अब क्यों ज़ाया कर रहे हो तुम अपना वक्त, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी आ गया, ठीक है, वाई भी आ गया, वाई के बाद फॉर्मूले के दौरान, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, ठीक हो गया जी। इस तरह तुम कहाँ जा रहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है जी।
तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लेक्चर नंबर टू, टेंस नंबर टू, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। आई होप डैट के आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, और उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद होगा। थैंक यू वेरी मच।